वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। दोस्तों आज 26 जनवरी है और मेरी तरफ से आप सभी को 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं। 26 जनवरी के इस मौके पे दोस्तों मैं उन वीर जवानों को सलाम करता हूँ जो सरहद पर इतनी ज़्यादा ठंड में अपनी जान की बाजी लगाए हुए हमारी और देश की सुरक्षा कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदर रसूलल्लाह, इसका मीनिंग होता है कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और मोहम्मद अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं भी पहले अल्लाह पे यकीन रखता था बट कंप्लीट यकीन नहीं रखता था। मतलब ये कि मेरा जो ईमान है वो कंप्लीट मुकम्मल नहीं था। जैसे जैसे मैंने तालीम हासिल की और इल्म हासिल किया, वैसे वैसे ये सारी चीज़ें प्रूफ होती गई और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं कंप्लीट ईमान रखता हूँ। तो अगर आपको भी इन चीज़ों में अगर डाउट है, इस्लाम 360 ऐप जाहिद हुसैन चीपा के नाम से एक ऐप आती है, वो डाउनलोड करें और उसमें सूरत यासीन, सूरत नंबर 36, सूरत रहमान सूरत नंबर 55, इसे आप डाउनलोड कीजिए और इन दोनों सूरह का ट्रांसलेशन और तफसीर एक्सप्लेनेशन के साथ इसका रिसाइटेशन अच्छी तरह से सुन लें, समझ लें, तो इंशाल्लाह ताला आपका डाउट 100% आउट हो जाएगा। जज़ाकअल्लाह खैर। क्लास 10 एक्सरसाइज 2.3 से लिया है, ये भी क्वेश्चन नंबर 3 है, ओके। जिसका एक स्टेटमेंट है, ऑब्टेन ऑल जीरोज ऑफ 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 इफ टू ऑफ इट्स जीरोज आर अंडर रूट 5/3 एंड माइनस अंडर रूट 5/3। टेट्रामोनियल गिवन है, टेट्रा मीन्स 4 होता है, ऐसा इक्वेशन, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी पावर 4 हो, तो इसके 4 जीरोज भी होंगे, इनके 2 जीरोज हमें गिवन है और अदर 2 फाइंड करने हैं। तो सॉल्यूशन देखिए, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हमेशा रिपीट करता है और एंट्रेंस में भी आते हैं। वी हैव गिवन इफ एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, ओके। हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है, देन इससे मैं अल्फा और इससे बीटा मान लेता हूँ। अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट 5/3 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 5/3। इन दोनों का एक्स के टर्म में जो प्रोडक्ट होगा नेगेटिव पॉजिटिव, वो जीरो के इक्विवेलेंट होगा। दैट मीन्स एक्स प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा इज इक्वल टू जीरो होगा, ओके, क्योंकि ये दोनों जीरोज हैं, ओके। देन एक्स प्लस अल्फा इज अंडर रूट 5/3 इंटू एक्स। स्टूडेंट्स को अक्सर ये कंफ्यूजन होता है कि एक्स प्लस अल्फा एक्स माइनस बीटा ये जीरो की इक्विवेलेंट क्यों होगा, ओके। इसे समझने के लिए एक इक्वेशन लेते हैं, x² माइनस 2x माइनस 8 इज अ जीरो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको सपोज करो इसमें आपको जीरोस फाइंड करने हैं, ओके। तो 8 1 8 होगा,
तो 4 2 8 होता है, मिडिल टर्म 4 2 2, तो मिडिल टर्म आ जाएगा। तो आपने स्प्लिट किया, सपोज करो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन दे दिया है 2 4 4 2 2, मिडिल टर्म होता है, देन x2 2x - 8, x2 4 2, तो 4x + 2x आपने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, देन 8 0, इन दोनों टर्म में x कॉमन लोगे तो x - 4 होगा, देन इन दोनों टर्म में 2 कॉमन लोगे तो x ± 2 4 8 4 आएगा 0, देन ये दोनों टर्म सेम है तो x - 4 कॉमन लोगे देन x + 2 आएगा 0 होगा। सपोज करो कि ये आपको अल्फा, ये जो 0 से ये अल्फा है और ये बीटा है, ओके, देन x - α (x + β) इज इक्वल टू 0। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, आप मैंने यहां पर एक ये पॉजिटिव लिया है, ये नेगेटिव लिया है, क्योंकि कभी ये पॉजिटिव आता है कभी ये नेगेटिव आता है, ओके, तो आप कोई भी ले सकते हो। तो आपको ये इजी क्लियर हो गया होगा कि ये x - α और x + β ये दोनों 0 की इक्विवेलेंट क्यों मैंने लिया है, ओके। देन इसे मैंने x - √5/3 सेम लिखा, देन x - √5/3 = 0, देन ये a - b a + b आइडेंटिटी आपको बताई है कि a² - b² दैट इज a + b (a - b) होता है, तो a² - b² √5/3² इज इक्वल टू 0, देन x² - 5/3 स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, देन 5/3 0 होगा, अब ऑन में 1 ले लो, देन 1 3 कैल्सियम 3 आएगा, 1 3 जा तो 3x² - 3 1 जा तो 5 1 जा 5 0, 3x² - 5 इज इक्वल टू 3, डिवीजन को है राइट को लाओगे तो मल्टीप्लीकेशन को होगा 3 × 0 इज 0। अब ये इक्वेशन आ गया, ये जो इक्वेशन है वो हमें जो गिवन इक्वेशन है डिविजेबल होगा, इस इक्वेशन से (3x²-5) से आपको डिवाइड करना है गिवन इक्वेशन में 3x4 + 6x³ - 2x²-10x - 5, ओके, देन 3x² तो यहां x4 है, तो x^2 अगर 2 करोगे तो x4 हो जाएगा, तो x2, देन 3x^2 और 2 4, 3x 4 हो गए, ± 5x² = 5x², तो आपको x² टर्म के सामने लिखना है, तो -5x² सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होते हैं, ये माइनस होगा ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गए, देन 6x³ ये प्लस है ये माइनस है, तो 5 - 2 = 3x² होगा, फिर -10x सेम लिखा मैंने, और -5। आपको ध्यान ये रखना है कि जो फर्स्ट टर्म है हर हालत में कैंसिल आउट होना चाहिए, ओके, देन प्लस है यहाँ तो आप भी प्लस लिख दो, देन 3 2 होता है, 3 2 6 तो 2 लिखा मैंने, x² है, एक और x चाहिए 3 होगा, तो एक और x आ गया, तो 3 2 6 x^2 और 1 x^3 ±−5 2 10 तो 10x
क्योंकि एक स्टर्म है तो एक स्टर्म के सामने लिखना है, माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गए, देन 3x² - 5, क्योंकि ये टर्म और ये टर्म सेम है, देन वोल्टाइन होगा, तो 3x² - 5 वन टाइम सेम होगा, माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल, तो ये रिमाइंडर आ गया 0। डिविजर है और ये डिविडेंड है, ओके, ये क्वेश्चन है, आपको भी पता है, और ये रिमाइंडर है, ओके, तो क्योंकि वी नो दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है, तो इस डी को आप यहां भी लिख सकते हो, क्योंकि मैं जीरो फाइंड कर रहा हूं, इसलिए ये जो डी है वो जीरो के इक्विवेलेंट होगा, ओके, तो डिविजर है 3x² - 5 इंटू क्वोशेंट, क्वोशेंट x² + 2x + 1 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर जीरो है, इज इक्वल टू डी जो होगा वो जीरो के इक्विवेलेंट होगा, इधर 3x² - 5 इज इक्वल टू जीरो, तो 3x² - 5 है, तो RHS को लाओ 5 हो जाएगा, तो x² = 5/3 होगा, x इज इक्वल टू +√5/3 होगा, ये वो दोनों जीरोज है जो हमें गिवन था, ओके, तो इसे आप लिख सकते हो कि √5/3 एंड −√5/3, ये दोनों हमें गिवन था, ओके, हमें दो और निकालने हैं, क्योंकि ये ट्रेटामोनियल है, इसकी पावर 4 है, तो 4 जीरोज होंगे, अगेन दूसरा इक्वेशन ये है, तो x² + 2x + 1 ये भी जीरो के इक्विवेलेंट होगा, ये प्लस जीरो है, तो इसको इसकी कोई वैल्यू नहीं है, है ना, तो ये जीरो के ये भी इक्वल होगा, देन इसे स्प्लिट करो, 1 × 1 = 1 होगा, 1 में 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, फैक्टराइजेशन 1 और 1 मिलाकर 2x होता है, तो x² + x + x, ये जो टर्म है इसे x और इसे भी x लिख दो, +1 = 0, x कॉमन लोगे इन दोनों में, तो x + 1 होगा, देन इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन नहीं है, मीन्स 1 होगा, x + 1 होगा 0, तो x + 1 कॉमन लोगे, देन x + 1 आएगा 0, इधर x + 1 = 0, x = −1, अगेन x + 1 = 0, तो x = −1, देयरफॉर x = −1 एंड −1 आंसर, थैंक यू।